सरसों के तेल को लेकर कई भ्रांतियां फैली हुई हैं और उन्हीं को लेकर अभी हम यहां पहुंचे हैं श्री गणेश एग्रो कंपनी में, जो अभी तरुण सिंघल जी जो उनको ऑपरेटर हैं वो मेरे साथ हैं, जिसके संचालक हैं, और इन्हीं पे चर्चा करते हैं कि सरसों के तेल को लेकर क्या कुछ देश में जिस तरह से भ्रांतियाँ फैली गई हैं, क्या कहेंगे आप? सरसों का तेल तो सबसे अच्छा होता है हार्ट के लिए, हर डॉक्टर ने हर समय सरसों तेल से अच्छा तो कोई है ही। और आप कह रहे हो जो पाम की खेती बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, वो सिर्फ इसलिए कर रही है, पाम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है दूसरे देशों से, तो इंपोर्ट कम हो जाए सरसों पे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सरसों भावों में फ़र्क नहीं पड़ेगा ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ बस ये इंपोर्ट कम हो जाएगा अपना दूसरे देशों से पाम का, यही पैदा होने लग जाएगा। तो सरसों के तेलों में जिस तरह से दबाव माना जा रहा है कीमतों में, क्या आगे जाके इसमें उछाल आ सकता है, क्या किस तरह का भविष्य रहेगा? पहले वाले भावों से तो उछाल आ चुका है, 15% के करीब उछाल आ चुका है पहले वाले भावों से, तो वो इसलिए कि गवर्नमेंट के MSP ज़्यादा थे ना, इस वजह से उछाल आ गया। लेकिन बाहर के तेल पाम वगैरह जो तेल है इम्पोर्टेड तेल, उनसे तो अभी तक सरसों का तेल काफ़ी महंगा है, इस वजह से आगे ज़्यादा तेजी की लगनी है, और गवर्नमेंट के पास बहुत सरसों है वो अपनी अपनी क्वालिटी निकाल देगी। खाद्य एसोसिएशन एक कह रही है कि पाम तेल जो है ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कारगर सिद्ध होता है, हार्ट और अन्य दूसरी बीमारियों में अच्छा साबित हो रहा है, इसलिए अरुणाचल में भी पाम की खेती लगाई जाती है और वहाँ से इनको बढ़ावा मिल रहा है। बढ़ावा इसलिए दे रही है गवर्नमेंट, सिर्फ इम्पोर्ट ना हो, बाहर से इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होता है पाम का, तो गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही है इम्पोर्ट ड्यूटी में, तो इसलिए बढ़ावा दे रही है इम्पोर्ट ना करना पड़े, अपने यहीं पैदा हो जाए पाम। लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो हमें तो अब तक जो भी सुना है सब खराबी बताते हैं पाम वगैरह, अपना सरसों का तेल सबसे अच्छा बताते हैं। तो माना जैसे सरसों के जैसे सरसों की क्या भविष्य में क्या मानते हैं, सरसों की बढ़ेगी? बहुत नहीं बढ़ेगी, सरसों बढ़ चुकी है 10-15% अपने नीचे वाले भावों से, 15% बढ़ चुकी है, अब बढ़ने का है नहीं हो ज़्यादा, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा हो गया है पाम तेल और सरसों के तेल के भाव में। सरसों का क्या भविष्य मानते हैं आप? तेजी नहीं है, अब यही भाव रहेंगे, सेम भाव रहेंगे, आने वाले समय में सरसों पनपेगा, पाम मतलब इस तरह कोई जगह नहीं ले पाएगा? नहीं, पाम और सरसों से मतलब नहीं है, क्योंकि पाम का रेट अब भी काफ़ी कम है, सरसों का ज़्यादा है। अपने कितनी आवक होती है सरसों की, कितनी आप आपके यहाँ कितना तेल निकलता है अपनी मिल में? हमारे यहाँ मिल में निकल जाता है 5-6 टन तेल निकल जाता है, काफ़ी मिले हैं यहाँ रेवाड़ी के अंदर 5-6 मिले हैं, तो उसके ऊपर है 24 घंटे चलती है, 12 घंटे चलती है, उनके ऊपर चलने के ऊपर होता है। इस साल तो क्या है गवर्नमेंट ने सारी परचेज कर ली ना, मार्केट में सरसों आनी हुई सारी परचेज गवर्नमेंट ने कर ली है। जिस तरह से पाम का तेल जैसे पनपने लगा था, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से तैयार किया जाता है पाम का तेल? पाम के पेड़ होते हैं, पेड़ों से निकलता है, बल्कि जो इम्पोर्टेड तेल आता है उसको तो वो कच्चा तेल आता है, यहाँ के रिफाइंड करते हैं, वो रिफाइंड ठीक नहीं होता, इसलिए पाम का तेल अच्छा नहीं पाया जाता। सरसों का तो अपना पेवर सब मिलों से बनता है, पेवर सरसों से बनता है, कोई ऐसी बात होती नहीं। तो माना जाए सरसों का भविष्य अच्छा है? हाँ, सरसों का भविष्य तो अच्छा है, फ्यूचर में देखिए इन्होंने कहा है कि अभी तरुण सिंघल जी मेरे साथ थे जो श्री गणेश एग्रो कंपनी के संचालक हैं, और इन्होंने माना कि पाम का जो भविष्य में कोई चित्र स्थान नहीं है, क्योंकि वो उसकी जगह नहीं ले सकता, सरसों जो है कारगर साबित है, इसीलिए सरसों के मतलब कीमतों में भी धीरे धीरे उछाल आने की संभावना नहीं जताई जा रही, और किसी तरह जो उछाल आ रहा था वो अब शिथिल हो चुका है दाम, और सरसों जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताई गई है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट।